एवरीवन, मायसेल्फ श्वेता मौर्य, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर इन केजीएमयू। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग की यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 14 जून को हैं, और अब तो एक महीने का भी टाइम नहीं बचा है, लगभग एक महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आ रहा है वैसे वैसे जो आपका डर है या फिर जो आपका आपकी एंजाइटी है वो बढ़ रही होगी, और वो सबके साथ होता है, वो कॉमन चीज़ है। जैसे जैसे एग्ज़ाम हमारे पास में आता जाता है तो हमें डर लगने लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारी प्रिपरेशन नहीं है या फिर हमारा इतना तैयार हुआ है तैयार नहीं है। सो वो कॉमन सी बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप लोग में से बहुत सारे बच्चों ने नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, नीट का एग्ज़ाम देके आ रहे होंगे आप। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नीट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ होगा, वो उसलिए भी परेशान होंगे कि एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। तो देखो, जो हो गया वो हो गया, वो पास था, लेकिन अभी आपको फ्यूचर देखना है अपना। अभी नीट का एग्ज़ाम आपका अगर नहीं अच्छा हुआ है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट जो आने वाला आपका एग्ज़ाम है, जो भी बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, आपके पास एक कभी चांस है, एक ऑप्शन है, तो आप उसमें अपने एफर्ट डालिए। परेशान रहने की बजाय, ज़्यादा सोचने की बजाय आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए और आपका सिलेक्शन अच्छे कॉलेज में हो पाए। तो आपके पास एक महीने का टाइम बचा है, मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहूँगी ताकि आप 30 दिन में अच्छा खासा स्कोर कर पाएँ और अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन ले पाएँ। क्योंकि देखो, जो कट ऑफ है वो 150 से अबव ही जाती है, और इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एग्ज़ाम हो रहा है, तो सबका अनुमान यही है कि इस बार थोड़ा पेपर का जो लेवल होगा वो हार्ड ही होगा। तो आप उस हिसाब से अपनी मेंटेलिटी बना के रखिए कि आपको कम से कम 160 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। बात करते हैं कुछ चीज़ों की जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाए। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपना जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या क्या सिलेबस आ रहा है और क्या नहीं आ रहा। जैसे कि अभी एनसीईआरटी से बहुत से जो चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं, बहुत से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, बट अगर आपको ये नहीं पता है तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपना जो सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हट गए उसको आपको नहीं पढ़ना है, एंड जो टॉपिक है उसको पढ़ के ही आपको अपने टाइम का यूटिलाइज करना है। जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड आ रहा है। पहले तो जीके भी था, तो ये था कि मतलब आप इंग्लिश और जीके पे थोड़ा कम कंसंट्रेट करते तो भी चल जाता, बट अभी क्या है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनका इक्वल डिमांड है, वेटेज सबका इक्वल है, सबके 40-40 क्वेश्चंस आने हैं, 40-40 मार्क्स के। तो ज़रूरी ये है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को बराबर की इम्पोर्टेंस दें। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको अपने अपने जो सब्जेक्ट है उसका टॉपिक पता होना चाहिए, सिलेबस पूरा पता होना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई करिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं किया होगा, तो अभी आपके पास इतना टाइम तो नहीं बचा है, एक महीने में आप इतना टाइम नहीं है कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। आपको ज़रूरत है कि लिस्ट बनाने की, जैसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उनमें से लिस्ट बना के रखो कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली पूरा चैप्टर तो आएगा नहीं, कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स ही होते हैं जो चैप्टर में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आपको पढ़ना होता है। तो आप लिस्ट बना के रखो कि आपको ये पढ़ना है, और उस लिस्ट में भी मतलब कि ऐसा कि प्रायोरिटी वाइज आप बनाओ कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पहले पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लिस्ट बना के रखो।
एंड हर दिन का आप अपना एक गोल सेट करके चलो, लाइक कि आपको इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक पढ़ना है या फिर इतने चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं. सो एक गोल सेट करके चलो कि आपको आज ये पढ़ के ही रहना है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको नहीं सोना है. तो इससे क्या होगा कि जो आपका गोल है वो कंप्लीट होता जाएगा, तो आपको भी एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी कि हाँ मतलब मेरा तैयार होता जा रहा है और आगे भी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे. सो आप अपना पहले तो सिलेबस जानो और जो गोल सेट करो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ो, और उसके बाद की जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, मान लो एनसीईआरटी से आप पढ़ रहे हो, तो उसको हाईलाइट करते हुए चलो, या फिर सबसे अच्छा है कि नोट्स बनाते हुए चलो. देखो ये जो नोट्स है ना, ये जो लास्ट के आपके 10 दिन बचेंगे ना, उसमें इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी. जो आपके नोट्स है ना एक्चुअल में वही आपकी हेल्प करेंगे. सो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करिए. रिवीजन का बहुत बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके सिलेक्शन में. जब तक आप चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक वो चीज़ें आप ठीक है पढ़ते जाओगे, आपको लगता है कि आपका तैयार हो गया, बट वो चीज़ें भूलती जाएंगी. रिवीजन से क्या होता है कि आप जब वो उन चीज़ों को बार बार देखोगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें बार बार रिकॉल होंगी, और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ना, अगर वो क्वेश्चन में आपको डाउट भी है, मतलब कि लग रहा है कि नहीं ये मैंने पढ़ा नहीं है, बट अगर आंखों के सामने से वो चीज़ गुजरी हुई है ना, वो आपकी लाइंस गुजरी हुई है, तो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर वो आपको याद आएगा और आप क्वेश्चन ज़रूर अच्छे से करके आओगे. सो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है. लाइक एक एक चैप्टर को आप 5 बार 10 बार पढ़ो. आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना ज़्यादा रिवीजन करो, उतना ही आपके लिए अच्छा है. तीसरी चीज़ की बात करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट. आप पढ़ते जा रहे हो बट आपके पढ़ने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, जब तक आप कोई मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व करेंगे. देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है ना कि आप जितना पढ़ रहे हो एक्चुअल में जो मॉक टेस्ट होता है वो आपको रियलिटी बताता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आपका कितना तैयार हुआ है अभी तक. सो मॉक टेस्ट देने से आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी पढ़ाई एक्चुअल में कहाँ तक हुई है, किस लेवल तक की है, और अभी आपको क्या क्या पढ़ना है. एक काम आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आप जो चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, मान लो आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और तुरंत आपने उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है वो कर लिया, मॉक टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया, तो इससे क्या होगा कि आपने वो चैप्टर अभी पढ़ा है और तुरंत आपका वो चैप्टर पूरा आपका तैयार होता जाएगा. क्वेश्चंस करने से ये होता है कि आपने ठीक अभी पढ़ लिया, बट क्वेश्चन करने से ये होगा कि ये चीज़ नहीं आ रही, तो आप वापस से तुरंत जाके उस चीज़ को पढ़ के तैयार कर सकते हो. मॉक टेस्ट में भी मतलब देते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 200 मिनट का है तो आपका जो मॉक टेस्ट हो वो भी 200 मिनट का ही आप लेके चलो. जैसा पैटर्न है वैसा ही लेके चलो. आप एक टाइम सेट करो कि इस टाइम में आपको अपना एग्ज़ाम देना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, एंड कोशिश करो डेली आप एक मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तो भी आपके पास लगभग 25 दिन ही मान के चलो, तो आप 25 दिनों में 25 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे. और एक मॉक टेस्ट में 200 क्वेश्चन, यानी कि आप 200 इंटू 25 कर दो तो आपके उतने क्वेश्चंस तैयार होते जाएंगे. सो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते रहिए. इससे क्या होगा ना कि आप ये भी कर सकते हो कि OMR शीट ले लो. आप सबसे अच्छा तरीका है OMR शीट ले लो, और जैसे जैसे आप एग्ज़ाम में आप सॉल्व करेंगे वैसे आप पहले ही प्रैक्टिस करो. इससे क्या होगा कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, किस सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम देना है. जैसे कि सारे सब्जेक्ट में इक्वल क्वेश्चंस आने हैं, बट देखो बायो एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप पढ़ के तुरंत टिक लगा दो, मतलब कि एक मिनट का भी टाइम नहीं लगता है. सो इन दो सब्जेक्ट में जितना आपका टाइम बचता है उसको आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो आप उसमें अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो. तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका वो जो टाइम यूटिलाइज कैसे करना है उस चीज़ को आपको पता चलेगा. OMR शीट आपकी कितनी देर में फिल हो रही है और जो गलतियाँ होती हैं वो रुकेंगी आपकी. सो बहुत सारे फ़ायदे हैं मॉक टेस्ट देने का.
तो जब आप एग्जाम में होंगे ना तो वो प्रेशर आपके ऊपर नहीं होगा क्योंकि आपने वो सब चीजें पहले से करके रखी है। सो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते जाइए, आप सॉल्व तो करते जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, लाइक कि आपने मॉक टेस्ट सॉल्व किया ठीक है, लेकिन आपने उसको छोड़ दिया कि मेरे इतने मार्क्स आए अब ठीक है, ये काम नहीं करना है आपको। प्रॉपर एनालिसिस करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं कोशिश करिए कि आप एक बार वापस से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं आपसे नहीं हुआ सॉल्व उस टाइम पे, तो आप दोबारा एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं उसके बाद आप उसके आंसर देखिए और ये देखिए कि कहाँ आपसे गलती हो रही है, क्यों आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। तो इससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो तैयार होते जाएंगे, आपकी जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो सारी चीज़ें आपकी सुधरती जाएंगी एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा, बहुत अच्छा खासा जाएगा। सो आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों से सीखना है कि जो गलती हो रही है वो वापस ना हो पाए। और ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट में आता, नहीं, घुमा फिरा के वो क्वेश्चंस आपके पास रिपीट होके जरूर आएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि दोबारा जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो वो आपसे वो गलती ना हो। उसके बाद आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अपना करना है, लाइक कि आप क्लास कर रहे हैं। देखो एक चीज़ का ये भी ध्यान रखो ना कि अगर आप क्लास कर रहे हैं, क्लास बहुत सारी क्लासेस कर रहे हैं, फिर यूट्यूब से भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मत करिए। आप कोई अपना एक पर्टिकुलर बुक या फिर पर्टिकुलर क्लास जहाँ से आप कर रहे हो उसी को करिए, क्योंकि फिर इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हाँ आपने इतना वहाँ से पढ़ा, इतना वहाँ से पढ़ा, और अभी एक टॉपिक आपका बार बार रिपीट होता जा रहा है और सारे टॉपिक्स के लिए आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एक टॉपिक आप एक जगह से पढ़िए ताकि जो बाकी के और सारे टॉपिक्स हैं उनको भी आप टाइम दे सकिए। मान लो आपकी 5-6 घंटे की क्लास चल रही है, रेगुलर 6 घंटे की क्लास चल रही है, उसके अलावा भी आपको प्रॉपर 4-5 आवर्स आपको मिनिमम 5-6 आवर आपको देने ही देने हैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। अगेन सेल्फ स्टडी मतलब एक की है सक्सेस की। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आप मान लो क्लास करते जा रहे हैं, लेक्चर्स आप देखते जा रहे हैं, क्लास करते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों को वापस खुद नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे उन सब चीज़ों का, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप कितनी भी क्लास कर लें, कितना भी कुछ कर लें, कितनी भी महंगी कोचिंग आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपके पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि आप रेगुलरली क्लास के अलावा 4-5 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी के साथ देखो ये भी जरूरी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रॉपर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि एग्ज़ाम आ रहा है और पढ़ते जा रहे हैं, नींद भी बिल्कुल भूल गए हैं कि सोना भी है या फिर ऐसा कुछ। स्ट्रेस नहीं लेना है आपको, प्रॉपर नींद लेनी है। कम से कम 7 घंटे तो आप सो, क्योंकि दिन में भी आपकी क्लास चलती होगी, फिर आपको भी सेल्फ स्टडी करनी होती है, तो कम से कम 7-8 घंटे की नींद लो। नींद लेने से क्या होगा ना कि जब आप अगले दिन उठोगे तो आपको बिल्कुल मतलब आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आप एक नए जो एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे। और आप ये भी कर सकते हैं, लाइक आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल लगातार नहीं पढ़ना है। आप ये कोशिश करिए कि एक एक घंटे में आप थोड़ा थोड़ा गैप लीजिए, खुद को फ्रेश करने के लिए आप थोड़ा सा बाहर टहल लीजिए या फिर कुछ म्यूजिक सुन लीजिए एक। तो ये ज़रूरी है कि आप खुद को फ्रेश रखिए, बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उसके बाद आपकी पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। आप पढ़ते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, लेकिन वो चीज़ आपके माइंड में नहीं जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप एंटरटेन भी खुद को करते रहिए। हाँ ये ज़रूरी है कि आपके पास एक महीने का टाइम बचा है, ये जो लास्ट का एक महीना है वही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या नहीं आएंगे। लेकिन जब तक आप खुद को एंटरटेन
नहीं करोगे, जब तक आप रिफ्रेश नहीं होगे तब तक आपकी पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं कि कैसे टाइम वगैरह मैनेज आप कर सकते हो, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और एक महीने से भी कम का टाइम अब तो बचा हुआ है, सो आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए एंड प्रॉपर चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट है रिविज़न करिए एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी कीजिए। आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें अच्छी लगी होंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।